नमस्कार किसान भाइयों, मैं विशाल उपाध्याय मोज़ेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी उन तीन प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो हमारी धान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसमें नर्सरी का प्रबंधन, संतुलित फसल पोषण और उर्वरकों का सही रूप से चुनाव के बारे में हमने चर्चा की थी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप उस वीडियो में जाकर के इन विषयों पर डिटेल से उसके बारे में जान सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो हमारी धान की फसल को, उसकी उत्पादकता को, मिट्टी की उत्पादकता को और धान के उत्पादन को, दोनों को बेहतर कर सकते हैं। उस विषय पर मैं आज डिटेल से चर्चा करना चाहूंगा। जैसा हम धान के बारे में जानते हैं, जिसको हम चावल के रूप में भी समझते हैं और खाते हैं, मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य का दैनिक भोजन में चावल का अहम योगदान है और इस चावल से मिलने वाले पोषण को बनाने के लिए धान की फसल जो हमारे किसान भाई करते हैं, उस धान की फसल में कुछ महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं उसका अहम योगदान होता है, जिससे हमारी धान की फसल का विकास होता है, उसका संपूर्ण डेवलपमेंट होता है। जब मैं संतुलित फसल पोषण की बात करता हूँ, उसमें मुख्यतः धान की फसल में मुख्य, द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें अगर मैं बात करूं कि इन सभी पोषक तत्वों का जो संतुलन हमें बनाना है, उस संतुलन के लिए आप मुख्यतः ऑर्गेनिक, रासायनिक या जैविक रूप में इन सभी पोषक तत्वों का प्रयोग करके आप अधिक लाभ ले सकते हैं। धान की फसल में मुख्यतः 6 से 7 ऐसे पोषक तत्व हैं जिसका लाभ, और ये हमारी धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फेरस और कैल्शियम आदि ऐसे महत्वपूर्ण यह पोषक तत्व हैं जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। किसान भाइयों, जैसा अगर मैं इनके रोल की बात करूं कि ये क्या क्या काम करते हैं, तो आप देखेंगे नाइट्रोजन जिस तरह हमारी फसल की बढ़वार का काम करता है, फास्फोरस जो हमारी फसल के जमाव, फुटाव करने का काम, जिसको हम हमेशा शुरुआती अवस्था में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम पोटाश की बात करें तो पोटाश एक ऐसी खाद है जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और धान में जो हमारे कल्ले निकलने की जो व्यवस्था है, जिसमें कल्ले अधिक निकलते हैं, उन कल्लों को अधिक निकालने में पोटाश का अहम योगदान होता है। साथ ही साथ में मुख्य जड़ के साथ जो सफ़ेद सफ़ेद जड़ें बनती हैं, जिसके माध्यम से पौधा पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, अंग्रेजी में शब्द आता है ट्रांसपोर्ट, पौधों के सभी भागों तक इन पोषण को पहुंचाने में पोटाश का अहम योगदान होता है। साथ ही साथ हमारा जो दाना बनता है उसमें चमक करने का काम, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने में भी पोटाश का अहम योगदान होता है, मेरे प्यारे किसान भाइयों। साथ ही साथ जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम एक ऐसा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारी धान की फसल के साथ साथ सभी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा आप जानते हैं, अगर फसल हरी नहीं रहे, सोचिए अगर फसल में हरापन ना हो तो हमारी फसल में क्या उसका उत्पादन बेहतर हो सकता है? क्या यह संभव नहीं है? और हमारी फसल को लंबे समय तक हरा बनाए रखने में मैग्नीशियम का अहम योगदान होता है। सूर्य की धूप की रोशनी के सामने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से हमारी फसल में क्लोरोफिल बनता है, और उस क्लोरोफिल को बनाने में, जिससे हमारी फसल लंबे समय तक हरी बनी रहती है, मैग्नीशियम का अहम योगदान होता है, जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जब मैं सल्फर की बात करता हूं, मेरे प्यारे किसान भाइयों, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जो सल्फर है, यह हमारी फसल के लिए, जो हमारी फसल में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपती हैं, जो हमारे फंगस से बीमारियां पनपती हैं, उनको रोकथाम का, उनको रोकने में सल्फर का अहम योगदान होता है।